नमस्कार, मैं बुलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड चैप्टर प्रोजेक्ट 400 मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 400 क्या है? वो वैराइटीज़ क्वेश्चन जो कि पूरे मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। हर चैप्टर में, किसी चैप्टर में 5, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, 25 या कुछ एक चैप्टर हो सकते हैं जिसमें कि 25 से ज़्यादा वैराइटी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो पूरा मैथ को कवर करेगा जिससे कि आप अपने आप को बेहतर प्रिपरेशन कर पाओ कम टाइम में। कंपाउंड इंटरेस्ट का जहाँ तक सवाल है, इसमें 5-6 वैरायटी होती है, उसी के आधार पे क्वेश्चन आते हैं और कुछ एक उनके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिलाकर मैक्सिमम 10 अगर क्वेश्चन आप करते हैं, 10 वैरायटी करते हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन को आप कंपाउंड इंटरेस्ट में डील कर पाएंगे। लेकिन उन 10 क्वेश्चन पे आपकी इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए कि आप उनको देखते ही एक्शन लो कि किस तरह से इस क्वेश्चन पे आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, आपकी टेक्निक हो सकती है। हम ज़्यादा फॉर्मूले नहीं यूज़ करेंगे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि अगर ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ करते हैं तो दिक्कत यह आती है कि कितने आप याद करेंगे पूरे मैथमेटिक्स में। पूरे मैथ में हम लोग लॉजिक पे ज़्यादा जा रहे हैं और फॉर्मूले में कम जा रहे हैं। हो सकता है आपकी कुछ अलग स्ट्रेटजी हो या किसी ने और तरीके से सीखा हो, आप उसमें अपने आप को मिक्स करने की कोशिश करें कि कैसे आप बेस्ट अपनी पॉलिसी स्ट्रेटजी को बेस्ट अप्रोच रख पाएंगे। टायर वन में इस चैप्टर से और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर 1 से 3 क्वेश्चन, और टायर टू में 4 से 6 क्वेश्चन है इन चैप्टर से आते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। जो इसमें की कॉन्सेप्ट और ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे वो देखने की कोशिश करते हैं। देखो, एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है बराबर होता है। अगर 100 रुपये पे अगर बोला जाता है कि 10% के हिसाब से बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो दोनों ही केस में सेम होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है एक्चुअल में? वो होता है चक्रवर्ती ब्याज। देखो, इस केस में दोनों में सेम हुआ, चक्रवर्ती ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। लेकिन एक साल के लिए अगर पूछा गया है तो वो तो सेम हुआ, अगर कैलकुलेट एक साल के अनुसार ही करना है कंपाउंडेड तो सेम हुआ। लेकिन अगर 2 साल में क्या हुआ कि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में 100 रुपये पे 2 साल में 10% के हिसाब से 20 रुपये हो जाएगा। 10 साल में 10 रुपये एक साल में और अगला फिर 10 रुपये अगले साल में, तो 20 रुपये होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में भी समझाया गया है कि 100 रुपये 10% के हिसाब से पहले 10 रुपये हुआ तो 110 हुआ टोटल अमाउंट। अब इसके ऊपर है कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, ये 10% के हिसाब से तो कितना हुआ इस पे 11%, 10% के हिसाब से 11 रुपये हुआ, तो इसमें अगर 10 रुपये 11 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो गया 121 रुपये। फिर 10% के हिसाब से इस पे और कैलकुलेट करते हैं तो कितना हुआ, 121 का 10% हुआ 12 रुपये 10 पैसे, ये और जोड़ देते हैं तो कितना हुआ 133 रुपये 10 पैसे। इससे हमें क्या नतीजा निकला कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगने की वजह से टोटल जो ब्याज हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, सिंपल इंटरेस्ट की तुलना में। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, 100 रुपये यहाँ पे हो रहा था, 10 रुपये यहाँ पे हो रहा था, फिर 10 रुपये यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे 110, यहाँ पे 10 रुपये हो रहा था और यहाँ पे 120 हो गया था, यहाँ पे 10 रुपये होने से 130 हुआ, 3 रुपये 10 पैसे, 133 रुपये 10 पैसे बन रहा है, यहाँ पे 130 रुपये बन रहा है, तो 3 रुपये 10 पैसे है कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हुआ सिंपल इंटरेस्ट की तुलना में। ये जो इंटरप्रिटेशन है आपको कई जगह पे यूज होगी। और एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट बना क्या, 100 रुपये मूलधन था, प्रिंसिपल था, 133 रुपये 10 पैसे टोटल अमाउंट बना, तो एक्चुअल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना 133.10 रुपीज़ 33 रुपये 10 पैसे 33 रुपीज़ 10 पैसा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में 30 रुपये बन रहा था। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट, यू विल इफ इन सिंपल इंटरेस्ट यू डिवाइड द सिंपल इंटरेस्ट बाय नंबर ऑफ ईयर टू कैलकुलेट 1 ईयर इंटरेस्ट, बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट अप्लीकेबल। अगर 30 रुपये है 3 साल का दिया हुआ है ब्याज, तो 10 रुपये पर साल के हिसाब से आप सीधा डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल जो होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर अमाउंट बोली जाती है, और उसको सिंबल CI से डिनोट करते हैं, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, और SI आपने देखा होगा सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब मैं अगर कहीं पे भी CI वर्ड यूज करता हूं तो ऑब्वियसली जाहिर है कि उसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से किया जा रहा है।
लेट अस से वन पर्सन बोरो मनी फॉर रुपीज 100 फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% एनुअली, व्हाट अमाउंट शुड ही हैव टू रिटर्न आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद वो क्या रिटर्न करेगा, वापस देगा। तो देखो हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा तो 133.10 रुपये वो 3 साल के बाद में दे रहा है इंटरेस्ट को मिलाकर। वी कैन ऑल्सो राइट द अबो स्टेप, और इस प्रोसेस को जो हमने लिखा उसको इक्वेशन को इस स्टाइल को बोलेंगे अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। तो जब भी मैं ये बोलूँ कि अप्रोक्सीमेशन टेक्निक यहाँ पे यूज कीजिए तो इसका मतलब वो ये बोला जा रहा है कि 100 रुपये में 10 रुपये इस तरह से करके ये आपको समझने में आसानी रहती है अप्रोक्सीमेशन टेक्निक से। और कई केसेस में आपको कैलकुलेशन में देखने में ज़्यादा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली अगर देखेंगे ना आप ट्राई करना, आपको ये ज़्यादा आसान और ज़्यादा कम कैलकुलेशन लगेगी इसमें टोटल, बजाय कि आप वैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट जब आप करके देखेंगे तो पता चलेगा। यू कैन ऑल्सो राइट द अबो स्टफ लाइक अमाउंट, अब इसी बात को हमने जो ऊपर लिखा था अप्रोक्सीमेशन वाली बात को, हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए 100 डिवाइड बाई 100 कि ये 3 बार इसके साथ में गुना हो रही है, ये 3 बार जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 333 ये इतना आ जाएगा 133 रुपये 10 पैसे जब इसको आप सोल्व करेंगे, उस केस की बात कर रहा हूं मैं। तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, और यू कैन एक्सप्रेस द लाइक दिस अमाउंट, जैसे आप ये दो इक्वेशन हमने देखा कि इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि छोटी क्लासेस में हमने सीखा है, वो भी एक बार देख लेते हैं। कैसे करते थे हमें कि अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, पी और 1 + R/100 और ये टी कर देते थे, टी है टाइम, यहाँ पे आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप इसको फॉर्मूले के रूप में भी देख सकते हैं कि अमाउंट निकालने के लिए इज इक्वल टू पी और 1 + R/100 और टी, इस फॉर्मूले का हमने यूज करते थे छोटी क्लासेस में और भी करते हैं। तो इसको हम अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में फिट करें, 10% वाले हमने लिया था, तो क्या होगा कि ए तो निकालना है और पी की जगह हमने 100 रुपये लिख दिया और 1 + R कितना था 10% और 3 के लिए लिख दिया। तो आप क्या करेंगे, 10 + 10 + 1 = 11, तो 100 × 11 × 11 × 11 / 10 × 10 × 10। देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ आ गई, यहाँ पे आपने 100 लिख दिया लेकिन आप देखें तो 11/10 ही है वो एक्चुअल में। तो 3 तरीके से हमने एक इक्वेशन को समझने की कोशिश की है। सो द अबो 3 कॉन्सेप्ट हैव द सेम रिजल्ट, बट यू वॉन्ट टू सोल्व क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला, देन डेवलप मास्टरी ऑन अप्रोक्सीमेशन ट्रिक। आप अप्रोक्सीमेशन पे मास्टरी कीजिए अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते, और जब अप्रोक्सीमेशन देखेंगे तो हमें वहां पे एक सक्सेसिव टेक्निक होगी, सक्सेसिव परसेंटेज की, वो उसके साथ एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले जो एग्जांपल लेंगे उसमें। तो वो सक्सेसिव परसेंटेज क्या है वो एक बार मैं थोड़ा बता देता हूं कि जैसे कि इस केस में हमने 2 बार लिया 10 और 10, तो 100 हमने इस केस में देख लेते हैं एक बार, 10% और 10% के हिसाब से लेकर 121 बन रहा था। तो सक्सेसिव क्या था, क्या होता है x + y और xy / 100, ये सक्सेसिव परसेंटेज टेक्निक बोलते हैं उसको। देखो 10 रुपये 10 रुपये 100 × 10 = 100 एक हो जाएगा, 21 रुपये ब्याज बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप सीधा ऐसा भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और फिर अगर 10% और ऐड करना है तो ये बन जाएगा फिर 2.1 = 31 + 33 = 10 पैसे। तो सक्सेसिव से भी आप इसको समझ सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन से समझ सकते हैं, और इंटीग्रेशन इस तरह से करके भी आप समझ सकते हैं, और उस फॉर्मूले के साथ भी आप समझ सकते हैं। सारी चीज़ें अल्टीमेटली उसी डायरेक्शन में ले जाती है, चाहे आप रेशियो भी करना चाहें, फ्रैक्शन भी करना चाहें किसी चीज़ का, तो भी वो उसी दिशा में ले जाएगी। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, लेट से 10%, अगर ये हो कि पहले साल 10% है, दूसरे साल 20% है, और तीसरे साल है वो 30% है, तो बताओ फिर अमाउंट क्या होगी। हमने 100 रुपये का एग्जांपल लिया था, हम इस फॉर्मूले को या इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या। तो 100 × 110/100 / 120/100 / 130/100, तो हम आगे इसको ऐसे ले जाएंगे, 110 फिर इसके ऊपर 20% हुआ तो कितना हुआ 22 रुपये, फिर 132 पे 30% हुआ तो कितना हुआ 39 रुपये 60 पैसे, इन सबको जोड़ देंगे, या फिर आप सीधा यहाँ पे पहुँच सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो तो भी वही उतना ही आंसर आएगा।
मतलब कि आप इस फॉर्मेट में ला सकते हो उसको। आप इसको फ्रैक्शन में ऐसे भी ला सकते हो कि अगर 5 रुपये प्रिंसिपल है तो 6 रुपये इसका अमाउंट हो जाता है, 1 रुपये ब्याज होता है। आप उस लिहाजे से भी सोच सकते हो। हम देखेंगे जो क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे वो भी कॉन्सेप्ट यूज करने की कोशिश करेंगे। तो रेशियो हुआ, परसेंटेज हुआ, अप्रोक्सीमेशन हुआ, सक्सेसिव परसेंटेज हुआ, और ये फॉर्मूला हुआ, ये सारे अल्टीमेट एजेंडा एक तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। आपके कंफर्ट लेवल पे होगा कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि स्टूडेंट ने किस तरह से चीज़ों को ज़्यादा आसान लिया है, वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम इज ₹102। कि कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट किया गया है और 2 साल में 4% के हिसाब से किसी सम पे ₹102 हो जाता है। तो हमें बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड कितना होगा। क्वेश्चन है कि ₹102 हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 2 साल के लिए 4% के हिसाब से किया जाए किसी राशि पे, लेकिन वो सम वो उस राशि पे इसी टर्म एंड कंडीशन के साथ में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या बनेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज टेक्निक। 4 साल 4% दिया हुआ है 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 x+y+xy/100, तो ये 16 रुपये, तो 8 रुपये 16 पैसे ब्याज हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या हुआ, 8 रुपये 16 पैसे अगर कंपाउंड है तो सिंपल कितना होता है, 8 रुपये, 1 है तो 8.16 और इंटू 102 है तो कितना होगा, इस चीज का हम लोग 100 लिख देते हैं। जैसे हम लोग जो 100 लिख दिया था हमने, तो 100 रुपये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट उसके ऊपर 100 रुपये होगा। ये क्या किया हमने, ये सक्सेसिव परसेंटेज का यूज किया, काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। आप मेंटल याद रखिए, 4 का जो 2 साल में कितना होगा, 8.16 रुपये, 8.16 है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 8 रुपये। हमने कैसे इसको समझे और कि 100 रुपये पे 4% के हिसाब से इस सक्सेसिव परसेंटेज को आप अप्रोक्सीमेशन टेक्निक से समझ भी सकते हैं। 104 रुपये हुआ 4% के हिसाब, फिर इसके ऊपर 4% का लगा तो कितना हुआ, 4 चौक 16 और 4 एक 4, 4 रुपये 16 पैसे, तो टोटल कितना हो गया, 108 रुपये 16 पैसे 2 साल में। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होता, 104 रुपये यहां पे हुआ और फिर 4% के हिसाब से, क्योंकि वो मूलधन पे लगता है हमेशा, तो 4 रुपये ये हुआ तो 108 रुपये हुआ। 2 साल में वो 8 रुपये ब्याज होता है, अमाउंट 108 होती है, इस केस में अमाउंट 108.16 होती है, तो जो ब्याज हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट वो हुआ 8 रुपये 16 पैसे। 8 रुपये 16 पैसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 8 रुपये हो गया, ये हमने वापस वहाँ पे लिया है। तो एक्चुअल में जो सक्सेसिव परसेंटेज और अप्रोक्सीमेशन है कहीं ना कहीं एक दूसरे का पूरक है, दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। आप मुझे लगता है सक्सेसिव परसेंटेज का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कोई फॉर्मूला यूज करना चाहता है, तो हमने अभी 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, तो वो कैसे करे, CI और SI के लिए 2 साल के लिए 1+R/200 ये फॉर्मूला होता है। CI कितना दिया हुआ इसमें 102, SI क्या है हमें निकालना है, आर कितना दिया हुआ है 4%, तो 1+ में 4/2 में 200, 4/2 200 कितना हो जाएगा, 4/2 200 हो जाएगा 1/50, तो 1+1/50 हो जाएगा 51/50। मैं यहां पे लिख देता हूं 51/50, 51 से आप इसको काट दिया और SI कितना आ गया 100 रुपये। तीसरा हमने चीज यहां पे ऐसे की, तो हमने 3 तरीके से देखा, सक्सेसिव परसेंटेज, अप्रोक्सीमेशन और फॉर्मूले से। यह फॉर्मूला आप याद जरूर रखिए, इसको याद कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला बताया मैंने कि CI इज इक्वल टू SI 1+R/200 और ये 2 साल के लिए अप्लीकेबल होता है, अगर 2 साल का के लिए टर्म दी हो तो अप्लीकेबल होगा। इसका एडवांटेज इस आपको ये मिलेगा कि कुछ क्वेश्चन है इससे आपको ज़्यादा आसान नजर आएंगे, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मतलब 80% क्वेश्चन है वो इससे ज़्यादा आसान नज़र आ सकते हैं, या आपके समझने पे भी डिपेंड करता है कि आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि फॉर्मूलों की दिक्कत यह आती है कि आप ज़्यादा टाइम तक याद रखने में दिक्कत आती है, हो सकता है गलत फॉर्मूला लग जाए, और इस बाकी जो चीज़ें हैं लॉजिकल चीज़ें करते हैं तो वो भूलते नहीं हैं, ज़्यादा समय तक आप रिटेन करते हैं माइंड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 100 रुपीज।
अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ. इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर टू ईयर्स एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट, जो कि एनुअली कंपाउंडेड किया जाता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा, प्रति वर्ष कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक्चुअल में एक रुपया है वो 2.25 रुपये हो जाता है, या 100 रुपये 2.25 रुपये हो जाता है, बात एक ही है. दो साल में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. हमने जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+R/100 और टी ये था. अमाउंट इसमें कितनी हो रही है, 225 रुपये, आप ऐसे भी कर सकते हैं. पी कितना है, 100 रुपये. 100 रुपये वाली अमाउंट है वो 225 रुपये हो गई, 1 रुपये वाली है वो 225 रुपये हो गई. हमें आर की वैल्यू निकालनी है और हमें टी दिया हुआ है, हमें टी कितना दिया हुआ है, 2 साल. तो 225 इस साइड इसको लाएंगे, 225 बटे में 100, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 225 बटे 100 को 15 का स्क्वेयर होता है 225, तो 15 का स्क्वेयर और 1+R/100 ये इक्वेशन बनती है, इससे आप काट सकते हैं. 15/10-1 कितना हुआ, 15/10-1 हुआ 5/10 हुआ, विच इज इक्वल टू R/100. तो R की वैल्यू कितनी आई, 50. R की वैल्यू 50 आ गई है. आप इसको इस नज़र से भी देख सकते हैं कि 100 रुपये वाली चीज़ है वो 225 हो जाती है अमाउंट, तो ब्याज कितना हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, 125 रुपये. और 125 किसका है, 50% का सक्सेसिव परसेंटेज है, 50 50 और फिर 25, 125 आ गया. तो आप इसको उस नज़र से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये इसमें देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा था यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया है, वरना सक्सेसिव परसेंटेज का इस्तेमाल करके आप इसको. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 इन 2 ईयर्स एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो 2 साल के लिए 10,000 रुपये कितना ब्याज होगा. अब देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 4 किस्तों में पूछ लिया है उसने, ऑब्वियसली जब 4 किस्तों में पूछ लिया कैलकुलेशन है थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि 4 किस्तों में आमतौर पर कम पूछा जाता है. एक बार मैं ट्रेडिशनल तरीके से एक बार देख लेते हैं कि वो फॉर्मूले में कैसे फिट हो रहा है. 10,000 रुपये देखो प्रिंसिपल है और ये 4% के बजाय अब पर एनम है तो हाफ ईयरली 2% हो जाएगी और ये किस्त है 4, ये हो जाएगा अमाउंट और उसके बाद हमें अमाउंट से 10,000 माइनस करेंगे तो CI आएगा. अब यहाँ पे जो चैलेंज आ रहा है वो 10,000 रुपये और 100 यहाँ पे आ जाएगा 51/50, 51/50, 51/50 और 51/50. 4 बार जब इसकी गुणा करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर भाग देंगे और फिर माइनस करेंगे 10,000 से. मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन है उसमें बेटर यही होगा कि आप अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा उससे कम कैलकुलेशन होगी और ज़्यादा आसान होगा, या आप सक्सेसिव परसेंटेज इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, 100 रुपये भी निकाल सकते हैं, फिर 2 जीरो और जोड़ सकते हैं, 100 रुपये में कितना हुआ तो 10,000 रुपये कितना हुआ, तो वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है आपके सामने. अगर मैं अप्रोक्सीमेशन से देखूँ 102 100 रुपये है तो 6 महीने में कितना हुआ 102 रुपये, फिर 6 महीने में अगले कितना हुआ 2% के हिसाब से 2 4 0 2 2 रुपये 4 रुपये से जुड़ जाएगा इसमें, तो 104 रुपये 4 रुपये. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल का समय जा चुका है, लेकिन अब जो आगे कैलकुलेशन होगी वो कंपेरेटिवली थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, 208 0 8 0 2 2. और बटे में 100 करेंगे तो ये 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा. अब मैं यहाँ पे इसको जोड़ देता हूँ, ये हो जाएगा ऊपर जोड़ देता हूँ 08 और 08, तो ये हो गया 106 और ये 8 था 08 4 12 और 1, ये आ गया 1.5 साल के लिए, लेकिन करना कितना है, करना है हमें 2 साल के लिए, तो फिर आप आगे करेंगे 2% के हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा 2% के हिसाब से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2% के हिसाब से करेंगे तो 2 रुपये इस आ जाएगा 2 रुपये 12 12 24 16 पैसा,
तो ये इसमें फिर ऐड कर देते हैं 1 2 2 4 1 6, आ जाएगा 6 1 8 4 12 3 4 2, और ये आ गया 100 रुपये पे 108 रुपये 24 32 16 पैसे बन रहा है। अब देखो ब्याज कितना बना, ब्याज तो 8 रुपये 8 24 32 के हिसाब से बना, और 10,000 रुपये कितना हुआ, फिर आपका हो जाएगा 20 इस साइड कर सकते हैं हम, 100 के बाद 20 हो रहे तो इस साइड कर सकते हैं, तो 824 रुपये 32 पैसे, 824 रुपये 32 पैसे देखो एग्जैक्ट आ चुका है। आप पाएंगे ये कंपेरेटिवली आपको ज़्यादा आसान लगेगा अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही थी। आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते थे कैलकुलेशन, किस आधार पर कम कर सकते थे, यहाँ पर रोक सकते थे इन्हीं चीज़ों को, क्योंकि 824 और इसमें फ़र्क है। तो बजाय कि देखो मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है, आपके लिए ये सजेशन हो सकता है कि जब आप देखेंगे दो डेसिमल तक काफ़ी है और डिफरेंस है रीजनेबली, तो आप इसको थोड़ा कम कैलकुलेशन के आधार पर रोक सकते थे, यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते थे, बस इतना कैलकुलेशन कर सकते थे और यहाँ पर इतना कर सकते थे इतना, इससे आप थोड़ा कम कैलकुलेशन करके ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ये मैसेज यहाँ पे जो देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशन टेक्निक या सक्सेसिव परसेंटेज है वो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है कई केसेस में, ज़्यादातर केसेस में भी बोल सकते हैं आप अगला। और आप इसको निकालने की कोशिश भी कीजिए कि आप और कैसे बेहतर ढंग से आपको ज़्यादा सूट करेगा कोई चीज़। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर इज 36, सम कितना होगा। क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर इज 36। दो किस्तें दी हुई है 6 महीने के हिसाब से, 1 साल का इसका मतलब 2 किस्त बन गई। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे ले सकते हैं कि 6% अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट है तो बताओ 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में क्या फर्क होगा। या आप इसमें दिया हुआ है उसको ऐसे भी मान सकते हैं कि 1 साल में आपको किस्त 2 कर देनी है और फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है तो आपको बताना है। तो ऑब्वियसली 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 100 रुपये पे 12 रुपये। 1 साल में 100 रुपये पे सिंपल इंटरेस्ट 12 रुपये होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अब देखो 6 हाफ ईयरली हो गया तो 6 + 6 = 0.36, 12 रुपये 36 पैसे होगा। सक्सेसिव परसेंटेज का हमने इस्तेमाल किया, x + y + xy / 100, तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ 36 पैसे का। 36 पैसे का डिफरेंस किस पे है, 100 रुपये पे है। 36 पैसे का डिफरेंस 100 रुपये, 36 रुपये का किस पे होगा, 100 / 36.36 × 36, तो कितना आ जाएगा, डेसिमल की जगह हमने 100 लिख दिया, तो 10,000 रुपये पे 10,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमने सक्सेसिव परसेंटेज का यूज करके भी एक क्वेश्चन निकाला। एक चीज और भी आप कर सकते हैं इसमें, मेरे ख्याल से सक्सेसिव परसेंटेज आपके लिए काफी ज्यादा उपयुक्त हो सकती है, लेकिन आप एक और भी कर सकते हैं। अगर 2 साल की टर्म है और वो आपको आना जरूर चाहिए, फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करें आप अगर करना चाहें तो वो क्या होगा, तो देखते हैं। वो D है वो डिफरेंस है किसका, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, P × R² / 100² R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए D कितना है, ये 2 साल के लिए अप्लीकेबल है सिर्फ, और याद रखना ये फॉर्मूला, कई जगह फॉर्मूला आपको ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन सक्सेसिव परसेंटेज का पलटा भारी सबसे ज़्यादा है। तो P हमें निकालना है, D देखिए डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 36 दिया हुआ है डी, और इंटू 36 = P निकालना है। आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 6%, हाफ ईयरली के हिसाब से 6% हो गया ना, तो 6 × 6 = 36 हुआ, और बटे में हुआ 10,000, 100 की पावर 2, 10,000, 36 से 36 कट गया, पी की वैल्यू 10,000 आ गई। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं, कई जगह पर ये ज़्यादा आपको बेटर साबित हो सकता है। अब हमने 2-3 तरीके से देखा इस क्वेश्चन को भी करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹2,000 अमाउंट टू ₹2,420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट,
कितने साल में 2,000 रुपये हैं वो 2,420 हो जाएंगे 10% के हिसाब से, ये आपको बताना है। देखो 2,420 रुपये हो जाएंगे कब है, जब प्रिंसिपल 2,000 रुपये है, तो 1+ में 10/100 आप कर सकते हैं और टी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कितना हुआ ये 121/100, इसको ऐसे लिख सकते हैं 121/100 को 11/10 का स्क्वायर, और इधर क्या बन रहा है ये भी 11/, ये आपको आर निकालना है आर, तो आपको निकालना है टी निकालना, आर तो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 11/2 यहाँ पे दिया हुआ है, और टी की वैल्यू आपको बतानी है। देखो तो बेस सेम है तो टी की वैल्यू कितना हुआ 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ सकते हैं, आप सीधा यहाँ पे भी काट सकते हैं इसको, जब इस तरह क्वेश्चन आए तो 100 है 121 है, 10% के हिसाब से 2 वाली किस्त बन रही है, सक्सेसिव परसेंटेज भी आप देख सकते हैं 10 और 10 और प्लस 1 21 बन रही है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, वरना इस पूरे फॉर्मेट में भरकर भी कर सकते हैं। अभी तक हमने 5 वैरायटी की है कंपाउंड इंटरेस्ट में, आगे की वैरायटी हम अगली प्रेजेंटेशन में करेंगे, और जब ये पूरी वैरायटी हो जाएंगी तो आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीका एक्सप्लोर कर सकते हैं हर क्वेश्चन के लिए, कैसे आप आपके लिए सूट करेगा, फिर आप उसको फिक्स कीजिए और प्रैक्टिस करेंगे जब फुल लेंथ टेस्ट में, तो आपको लगेगा कि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, ऑल द बेस्ट।